एक बार फिर से आपका स्वागत। मैं हूँ आपके साथ पारुल, सत्ता का फाइनल। जी हाँ, आज वो तारीख है जब मतदान हो रहा है और वो क्षण आ गया है। 7 बज चुका है और मतदान शुरू हो गया है। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी और अब वो वक्त जब मतदाता अपनी ताकत दिखाएगा। 7 बज गया है, मतदान शुरू हो गया है और मतदाता मतदान केंद्रों तक पहुंचना शुरू कर चुके हैं। 12 मंत्रियों की किस्मत का फैसला होगा क्योंकि टीम शिवराज में सिंधिया खेमे के तमाम वो लोग जो इस चुनावी मैदान में उतरे हैं, लेकिन ऐसा चुनावी मैदान में सिर्फ वही नहीं है। 355 उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत का फैसला होना है। एक एक सीट से कहीं 30 तो कहीं 35 निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं, सपा बसपा भी। सपाक्स ने भी अपने उम्मीदवारों को उतारा था। तो कोरोना काल है और कोरोना काल में पहला मतदान है में मतदाताओं को ये ध्यान रखना है कि कोरोना भी है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि इस कोरोना काल में उन्हें अपनी ताकत का इस्तेमाल करना है, मताधिकार का इस्तेमाल करना है। 18% ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं क्योंकि 1000 से ज्यादा मतदाताओं को नहीं जाना है मतदान केंद्रों पर। 1000 लोगों की व्यवस्था है। 63 लाख से ज्यादा मतदाता वोटिंग करेंगे। 56,000 मतदान कर्मियों को ड्यूटी पर लगाया गया है। व्यवस्थाएं हैं मध्य प्रदेश में चुनावी लिहाज से। उपचुनाव में मॉक पोल के लिए व्यवस्था की गई है। और केंद्रीय पुलिस बल की 84 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। एसएएफ के 2500 जवान तैनात किए गए हैं। चलिए अब दिखाते हैं आपको मांधाता में कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं और ये मतदान केंद्रों की तस्वीरें हैं मांधाता से, जहां देखिए घड़ी में बजा 7 और मतदाताओं के घर से निकलने का सिलसिला शुरू। पुलिसकर्मी भी तैनात हैं। शरद संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मतदान केंद्रों पर लोगों के आने का सिलसिला लगभग शुरू हो गया है। शरद, क्या कुछ जानकारी? शरद, चलिए खड़े हुए हैं जी जी पुरली जी ग्राम के मतदान केंद्र में, जहां पर मतदाताओं का आना चालू हो गया है और यहां प्रशासन के द्वारा गोल घेरे बना करके सोशल डिस्टेंसिंग भी करवाई जा रही है, पालन करवाया जा रहा है। बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंच चुकी हैं और पुरुष वर्ग के मतदाता भी आ चुके हैं। यहाँ 3 मतदान केंद्र हैं और तीनों मतदान केंद्रों पर मतदाताओं का आना शुरू हो चुका है। बिल्कुल, और देख रहे हैं हम किस तरह के यहाँ पर तस्वीरें भी दिखाई दे रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है और सर्कल्स बनाए गए हैं। उन सर्कल्स में खड़े रहने के लिए मतदाताओं को कहा गया है और काफी उत्साह दिखाई दे रहा है शरद यहाँ वोटर्स में। और इतना ये बताता है कि जागरूक है यहाँ की जनता, यहाँ का वोटर। जी बिल्कुल पारुल, मैं ये बताना चाहूंगा कि मांधाता विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है यहाँ हर बार मतदाता अच्छी खासी संख्या में वोटिंग करते हैं और मतदान का प्रतिशत भी शाम होते होते तक बहुत जाता है। लेकिन अभी यहाँ पर ये श्रमिक वर्ग वाला एरिया है
खेती किसानी वाला एरिया है, तो लोग सुबह से ही मतदान केंद्र पे पहुंच चुके हैं और जल्दी मतदान करके ये अपने अपने खेत और दूसरे अन्य काम धंधे में जुट जाएंगे। बिल्कुल, अपने अपने कामों में लग जाएंगे फिर ये लोग, और स्वाभाविक है क्योंकि, और ये बताता है कि देखिए काम भी जरूरी है और मतदान भी जरूरी है शरद। और ऐसे में अगर आपकी लोगों से बातचीत हो पाई हो, जो वोटर्स वहां पहुंच रहे हैं या जो बाहर निकलकर मत देकर आ रहे हैं, उनसे कोई बातचीत आपकी हो पाई, उनका क्या कहना है? अभी तो किसी से बात नहीं हुई है, सब यहाँ लगे हुए हैं तो हम लोग भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं उनको, पहले वोटिंग हो जान देंगे, वो बाहर आते हैं फिर बात करते हैं। लेकिन मतदाता जो है बहुत खामोशी से अपने मत का प्रयोग कर रहा है, उत्साह जरूर है लेकिन खामोशी है, और ये खामोशी बहुत गहरी है, और ये आने वाले 10 नवंबर को ही पता चलेगा कि मतदाता की जो खामोशी थी वो किस कारण थी और उनका प्यार किसे मिला। बिल्कुल, और ऐसे में आपके लिए भी थोड़ी मशक्कत होगी मतदाताओं को टटोलना कि वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। चलिए नजर बनाए रखिएगा शरद, कोई अपडेट होता है तो पहुंचाइएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी देने के लिए। और चलिए अब और भी आज के दिन का इस चुनावी माहौल का, जो मार्च से सियासी घटनाक्रम चले और अब तक की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, हमारे साथ इस वक्त प्रकाश भटनागर जी जुड़े हुए हैं, हमारे एडिटर इन चीफ। फील्ड पर भी जाकर प्रकाश सर आप लोगों ने मतदाताओं को टटोला, हमारी टीम वहां लोगों तक पहुंची, प्रत्याशियों से भी बातचीत हुई, लेकिन आज का दिन वो दिन है जब मतदाता इस लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी आहुति देगा। 355 उम्मीदवार, लाखों वोटर्स, और देखिए कई सीटों पर तो कई सारे उम्मीदवार भी हैं, निर्दलीय और सपाक्स ने भी उतारे हैं, बसपा सपा के भी हैं। आप किस तरह से देखते हैं आज का दिन, महत्वपूर्ण प्रत्याशियों के लिए तो है, मध्य प्रदेश की किस्मत का भी फैसला होगा जैसे कि बार बार कमलनाथ साहब कहते थे, लेकिन एक तरफ है शिवराज सिंधिया तो दूसरी तरफ है कमलनाथ, दोनों ही अपनी अपनी तरफ से पुरजोर कोशिशें कर रहे थे, लेकिन आज जनता किसे पसंद करने वाली है, आपका एनालिसिस क्या कहता है? देखिए पारुल, जनता किसे पसंद करेगी हमें 10 तारीख को पता चलेगा जब मतदान का नतीजा आएगा। बिल्कुल, लेकिन जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, जिस तरह का वातावरण है, उसे यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार को 2018 में कांग्रेस को जिस तरह का बहुमत मिला था उसमें जाहिर था कि उन्हें बहुत संभल के सरकार चलानी चाहिए थी, लेकिन वो चलाने में कामयाब नहीं हो पाया और उन्हीं का एक घड़ा, उन्हीं का एक नेता के तौर पर जो है कांग्रेस से हटा और मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार 1.5 साल में गिर गई। अब ये जो चुनाव है, ये 28 सीटों का उपचुनाव मध्य प्रदेश के अंदर सत्ता की स्थिरता को कायम करने वाला होगा या सरकार की अस्थिरता को कायम करने वाला होगा, ये एक महत्वपूर्ण इसका विषय है। अगर भारत कांग्रेस को मान ले के 28 सीटें चुनाव में जीत जाती है तो जैसा हम बता रहे हैं कि वो 115 के आंकड़े पे पहुंचेगी, यानी सरकार फिर वापस वैसी की वैसी स्थिति में रहेगी जैसी स्थिति में थी। और बीजेपी यदि 8 सीटें चुनाव में जीतती है तो सरकार में तो बनी रहेगी लेकिन उसकी हालत भी उस कमलनाथ सरकार से अलग नहीं होगी। बिल्कुल। लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी 15 सीटें जीत जाती है, 10 से ज्यादा सीटें जीत जाती है, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि अगले 3 साल मध्य प्रदेश में राजनीतिक स्थिरता के हो सकते हैं। तो ये संभावना मध्य प्रदेश में राजनीतिक स्थिरता कैसे हो सकती है, तो उसके लिए अगर मतदाता भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता है, 10 से ज्यादा सीटें जिताता है तो हमें मानना चाहिए, और यदि दल बदल कोई बहुत बड़ा इशू है, दल बदल को लोगों ने पसंद नहीं किया है और मतदाता कांग्रेस के फेवर में जाता है तो हमें फिर एक वैसी ही सरकार का सामना करना पड़ेगा जो बहुमत के लिहाज से कमजोर होगी और जो ब्लैकमेल होगी। तो अब आज मतदाताओं को बहुत बड़ा फैसला लेना है और मुझे लगता है कि जिन 28 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहा है वहां पर मतदान का प्रतिशत भी काफी अच्छा होगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगाई है कांग्रेस में। हालांकि कमलनाथ इकलौता चेहरा थे भारतीय जनता पार्टी में, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, वीडी शर्मा, एक लंबी टीम जो है, टीम वर्क जो है हमने देखा वो भारतीय जनता पार्टी में देखा, और कांग्रेस के अंदर कमलनाथ अकेले मोर्चा लड़ाते रहे। हालांकि पर्दे के पीछे शुरू से दिग्विजय सिंह उनके साथ थे जो आखिरी के आखिर में खुल के खेलने भी सामने आए, चुनाव प्रचार में भी उतरे, बाकी सोशल मीडिया पे तो वो सक्रिय थे ही सही, लेकिन कांग्रेस के जो और बाकी नेता है उनकी वैसी सक्रियता देखने को नहीं मिली जैसी कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की देखने को मिली थी।
बिल्कुल, सक्रियता पर अगर बात करें सर, तो जाहिर है कि हमने देखा कि सिंधिया भी मैदान में, नरेंद्र सिंह तोमर भी मैदान में, शिवराज भी मैदान में, बीजेपी के तमाम बड़े नेता, तमाम बिग फेसेस हमें इलेक्शन के प्रचार प्रसार को लेकर, कैंपेन को लेकर दिखाई दिए। लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो स्टार प्रचारक की सूची थी, उधर से ऊपर से उठाइए तो पांचवें नंबर तक तो कोई दिखाई नहीं दिया। देखिए, कांग्रेस के जो स्टार प्रचारक थे, जो भी उसमें थे, हमने देखा बाहर से प्रमोद कृष्णन आए और सचिन पायलट आए। इसके अलावा चर्चा है तो नवजोत सिंह सिद्धू के आने की भी थी, प्रियंका गांधी का रोड शो का भी जिक्र था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और मुझे लगता है कि जो कांग्रेस के अंदर जो लोग हैं, उनको शायद वस्तुस्थिति का आभास है कि वो सरकार से जा चुके हैं। अब सरकार को वापस हासिल करना उनके लिए एक बहुत कठिन टास्क है। जो चीज उनके हाथ में थी, अब आज जो कांग्रेस जो कैंपेन कर रही है, क्या जिसमें वो कमलनाथ को शहीद बता रहे हैं, कमलनाथ कह रहे हैं कि मेरा क्या कसूर था, तो निश्चित तौर पे राजनीतिक उस पर हम सोचेंगे तो ये पूरा का पूरा कसूर, और ये पूरा का पूरा जो इलेक्शन हो रहा है उसमें कमलनाथ का बहुत बड़ा कसूर है। क्योंकि अगर कमलनाथ चाहते तो सरकार को, अपने विधायकों को साथ के रख सकते थे, या फिर राजनीतिक दृष्टिकोण से ही बात करें, हम नैतिकता को छोड़ दें, राजनीति में नैतिकता नहीं होती है, साम दाम दंड भेद, आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने भी उसी तरह से सरकार को बनाया। कमलनाथ लगातार कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी के 10 विधायक मेरे संपर्क में है, इतने विधायक मेरे संपर्क में है, लेकिन जो काम उन्हें करना था वो काम आखिर तक वो नहीं कर पाए, और वो भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया, और परिस्थितियां निर्मित करने का काम मुझे लगता है वो कमलनाथ ने ही किया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस हद तक जाना पड़ा कि वो अपने पूरे समर्थकों के साथ दल बदल कर गए। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को, उन्हें पता था कि इस व्यक्ति के अंदर, इस नेता में इतनी ताकत है, तो उन्हें साथ के रखना चाहिए था। राजनीतिक जो नीति है उसके हिसाब से मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए था, लेकिन कमलनाथ वो कर नहीं पाए। बिल्कुल, और ऐसे में लगातार और जो बयानबाजियां चली उनका तो अपना ही एक स्तर था। ये भी बताया गया भटनागर सर कि एंड मोमेंट पर अगर चीजों को संभाल लेते, हालांकि मध्य प्रदेश की स्थिति को भांपते हुए राजस्थान महाराष्ट्र को संभाल लिया गया था, लेकिन अगर समय रहते मध्य प्रदेश को संभाला जाता, और महत्वाकांक्षाएं सभी की होती हैं, आकांक्षाएं सभी की होती हैं, लेकिन किसी तरह से न्यूट्रल स्थिति कर देते या फिर संभाल लेते कमलनाथ साहब, जैसे कि आपने भी कहा, तो शायद मध्य प्रदेश में वो बाकी का समय अपना पूरा कर पाते। लेकिन इसी बीच जो मुद्दा उठा, मुद्दे तो हालांकि चुनावी माहौल में गौण ही दिखाई दिए, जो जनता के मुद्दे थे उन पर बात होनी चाहिए थी, लेकिन जो स्टार्टिंग कैंपेनशिप थी कांग्रेस की, उसमें गद्दार और कर्ज माफी, इन दो चीजों को वो बहुत जोर शोर से उठा रहे थे, लेकिन लगा कि स्ट्रैटेजी में फंस गए बीजेपी के। देखिए पारुल, जो आपने बात कही, पहले मैं उस पर आता हूँ कि हमने राजनीतिक अस्थिरता राजस्थान में भी देखी। वही सचिन पायलट जो मध्य प्रदेश में प्रचार करने आए थे, वो अशोक गहलोत से नाराज होकर, जो उनके उप मुख्यमंत्री थे, अपने मुख्यमंत्री से नाराज होकर काफी दिनों तक अपने समर्थक विधायकों के साथ बाहर रहे। यदि उनकी संख्या 30 हो जाती तो हो सकता है कि हमें राजस्थान में भी मध्य प्रदेश जैसा कुछ देखने को मिलता। लेकिन अशोक गहलोत जमीनी राजनेता हैं राजस्थान के, उन्होंने बहुत अच्छे तरह से परिस्थितियों को हैंडल किया और उस प्रयास को सफल होने से रोक दिया, और आखिरकार सचिन पायलट अपने अभियान में असफल हुए और वापस कांग्रेस के अंदर है, लेकिन अब वो मुख्यमंत्री भी नहीं है। इसी तरह से हमने देखेंगे छत्तीसगढ़ के अंदर, जहां पर कांग्रेस को बंपर बहुमत हासिल है, उसके बावजूद ये जो घटनाक्रम हुआ मध्य प्रदेश का और राजस्थान का, तो हम देखेंगे कि वहाँ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने, जो भूपेश बघेल है, उन्होंने तमाम लोगों को निगम मंडलों में नियुक्ति दी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने की कोशिश की, क्योंकि वहां भी गुटबाजी है और वहां भी ऐसी संभावना है कि 2.5 साल के बाद मुख्यमंत्री एक दूसरा नेता टीएन सिंहदेव के बारे में कहते हैं कि शायद वो बनने का प्रयास करेंगे, या ऐसी कुछ चीज है। लेकिन भूपेश बघेल ने अपने आप को मजबूत करने के लिए जो किया जाना चाहिए था वो किया। वो कमलनाथ ने कोशिश तब की, राजनीतिक नियुक्तियां तब की, जब उनकी सरकार का जाना तय हो गया था। तो ये जो राजनीतिक समझ का फेर है, तो मुझे लगता है कमलनाथ कांग्रेस के बड़े नेता हैं, बड़ा कद है उनका, लेकिन वो दिल्ली में है। मध्य प्रदेश की जमीनी राजनीति की समझ मध्य प्रदेश में इस समय दिग्विजय सिंह के अलावा किसी दूसरे नेता में नहीं है जैसी। तो निश्चित तौर पर कमलनाथ को, जब वो यहाँ है, कमलनाथ
और दिग्विजय सिंह की अच्छी मित्रता है, राजनीतिक मित्रता भी है, वैसे भी लंबा समय उनका साथ है, तो उन्होंने पूरा भरोसा दिग्विजय सिंह पे किया, चाहे वो प्रशासनिक मशीनरी हो चाहे वो राजनीतिक चीजें हो, तो हर जगह कमलनाथ को सहारा था दिग्विजय सिंह जी का। तो निश्चित तौर पे ये जो भी घटनाक्रम हुआ, उन्होंने बाद में ये कहा भी कि मैं दिग्विजय सिंह जी के भरोसे में रह गया। दिग्विजय सिंह जी को लगता था कि शायद सिंधिया जाए तो जाए, लेकिन इतने लोग मंत्री पद छोड़ के, विधायक छोड़ के, फिर सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों ने मंत्री पद छोड़ा या विधायक पद से इस्तीफा दिया, उन्हें मात्र 2 साल में फिर से चुनाव मैदान में जाना पड़ गया। कोई भी विधायक इतनी जल्दी दोबारा चुनाव लड़ना नहीं चाहता, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी कि मध्य प्रदेश के अंदर आज हम देख रहे हैं कि सत्ता का फाइनल, हम इसलिए कह रहे हैं कि सीटें तो 28 है, लेकिन ये पूरे मध्य प्रदेश यानी 230 सीटों का जो समीकरण है, सरकार की स्थिरता है, अस्थिरता है, उसकी कमजोर होना, उसका मजबूत होना, इन सब चीजों को ये 28 सीटें निर्धारित करेगी कि अब मध्य प्रदेश में अगले 3 सालों में 10 तारीख के बाद क्या होगा। बिल्कुल, 107 विधायक और 87 विधायक, ये तभी अपने आप को कह सकते हैं कि हम सत्ता में हैं जब इन 28 सीटों का फैसला हो जाएगा। बहुत सही बात है, और इसलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि तमाम चुनाव से बड़ा मध्य प्रदेश के लिहाज से ये उपचुनाव है, 28 सीटें, और दोनों ही तरफ से कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो दल बदल करके आए हैं और उन्हें टिकट दिया गया है। अगर हम सर बयानबाजियों की बात करें, तो बयानबाजियों में आपको लगता है कि जिस तरह की बातें हुई वो दोनों तरफ से हुई हैं, बराबर आप आकलन कर सकते हैं कि इसने इतना गंदा कहा तो उसने भी उससे ज्यादा गंदा कहा, इसका कोई फर्क मतदाता पर पड़ेगा? देखिए पारुल, मुझे लगता है कि ये जो भी चुनाव जो होता है जी, वो मुझे लगता है हमेशा इसी तरह की चीजों के ऊपर होता है। मतदाता इससे कितना प्रभावित होता है, इसका मतलब कोई हम सीधा सीधा आकलन नहीं कर सकते, लेकिन कमलनाथ ने एक, उनका जो भी मंशा रही हो, डबरा में उन्होंने इमरती देवी के लिए आइटम शब्द का इस्तेमाल किया, उन्हें नाम याद नहीं रहा, यहाँ भी कमलनाथ ने दो तरह से अपने आप को कमजोर साबित किया। एक तो वो इशू को खत्म कर सकते थे कि मैं इस मामले में माफी मांगता हूँ, किसी महिला से माफी मांगने में इतने बड़े कद के नेता को कोई फर्क नहीं पड़ता, और चुनाव के अंदर जिस तरह की भाषा होती वो भी बड़ी सामान्य सी बात है। अब मीडिया का इतना व्यापक प्रसार है, इसलिए हमें लगता है कि विवादित बोल, विवादित नारे, ये सब चीजें तो चुनाव का हिस्सा है, तो इन्हें हम देखते ही आए हैं, मतलब लगातार देखते आए, आज से नहीं हो रहा है, हमेशा से होता रहा है। लेकिन कमलनाथ दूसरी गलती कर गए कि जब उन्होंने आइटम शब्द के लिए ये बताया कि ये संसदीय शब्द है, विधानसभाओं में और वहां पर आइटम शब्द का इस्तेमाल होता है, फिर उन्होंने सभाओं में कहा कि मैं भी आइटम हूँ, ये भी आइटम है, वो भी आइटम है, फिर उन्होंने तीसरी गलती की कि मुझे उनका नाम याद नहीं था और मुझे कई सारे लोगों के नाम याद नहीं है। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष और 1.5 साल मुख्यमंत्री, अगर आप अपने संगठन के महत्वपूर्ण लोगों को, खास करके इमरती देवी का मामला तो ऐसा है कि वो उनके साथ 1.5 साल मंत्रिमंडल में रही, और अगर आपको अपने मंत्री का नाम नहीं पता है, तो इन लोगों ने, जिन लोगों ने कांग्रेस को छोड़ा है, मुझे लगता है कि उचित कदम था उनका। वो कहते भी थे कि सीएम के पास हमारे लिए समय नहीं है, सीएम हमसे मिलते नहीं थे, मिलते थे तो चलो चलो बोलते थे, जो हमने लोगों से बातचीत की जिन लोगों ने कांग्रेस छोड़ी। तो कमलनाथ ने उसी बात को साबित किया कि वो अपने मंत्रिमंडल के अंदर अपने सदस्यों को ही अगर नहीं पहचान रहे, या तो उन्होंने जानबूझ के इमरती देवी का नाम नहीं लिया, या उन्होंने सफाई दी। फिर उसपे राहुल गांधी का जो बयान आया, राहुल गांधी ने जो कहा कि मैं इस चीज को नहीं मानता हूं, ये जो भाषा है ये उचित नहीं है महिलाओं के प्रति, और इसकी, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, तो अगर राहुल गांधी के कहने के बाद भी फिर इस पे कांग्रेस के या मध्य प्रदेश के नेता माणक अग्रवाल का बयान आ गया, तो कुल मिला के एक ऐसा मुद्दा अपने आप क्रिएट हो गया जिसमें कांग्रेस घिरती चली गई और कमलनाथ भी घिरते चले गए, और आखिर तक कमलनाथ ने इस बात को नहीं माना, उन्होंने खेद जरूर फिर बाद में प्रकट किया जी। तो मुझे लगता है कि वो रणनीतिक स्तर पर जो चूक कांग्रेस कर गई उसका खामियाजा भी उसे यहाँ उठाना पड़ेगा। दूसरी बात, वो जो सबसे बड़ा इशू उनका था कर्ज माफी का वादा, कर्ज माफी के वादे के साथ आप सत्ता में आए थे, आपने कहा था कि 10 दिन में हम कर्ज माफ कर देंगे मध्य प्रदेश, 10 दिन में नहीं हुआ, जितने भी दिन उन्होंने लगाया, जितनी भी राशि का कर्जा माफ किया, अगर कमलनाथ चुनाव से पहले ये कह रहे हैं एक पेन ड्राइव जारी करके कि 26.5 लाख किसानों का कर्जा हमने माफ कर दिया, तो कांग्रेस को कायदे से कर्ज माफी को ही सबसे बड़ा इशू बनाना था,
क्योंकि वो अगर दल बदल और गद्दारी की बात कर रही है तो कांग्रेस जिन लोगों को चुनाव लड़ा रही है उसमें आधे से ज्यादा दल बदल हुए। बिल्कुल, चाहे वो प्रेमचंद गुड्डू हो, चाहे वो सतीश सिकरवार हो, चाहे वो केएल अग्रवाल हो, चाहे वो पारुल साहू हो, कई सारे लोग उन्हें बाहर से लाके चुनाव लड़ाने पड़े, बीएसपी से, बीजेपी से। वो कांग्रेस से जो लोग गए उनके साथ पूरी कांग्रेस चली गई, जहां स्थानीय स्तर पे चूंकि कांग्रेस पे उनका प्रभाव था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से या बीएसपी से जो नेता आया है उसके साथ कोई नहीं आया है। तो उसका भी खामियाजा, जो कांग्रेस का जो उम्मीदवार है वो वहां उस स्तर पे भी कमजोर होगा। तो मुझे लगता है कि अब अपन निर्णय पे नहीं पहुंच सकते, निर्णय तो आज जनता करेगी, लेकिन मुझे लगता है कि इस समय जो अपर हैंड है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में। एक चीज और जो निकली सर की इमरती देवी वाले बयान के मैटर पे, जब उन्हें आइटम शब्द से संबोधित किया कमलनाथ जी ने, हालांकि वो उस चीज को मान नहीं रहे थे कि वो गलत है कि सही है, राहुल जी का ये कि वो उस चीज से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते, उसे गलत मानते हैं। उसके बाद देखिए आगे मध्य प्रदेश का भविष्य तो जीत हार के बाद तय होगा ही कि कांग्रेस संभालेगी या बीजेपी संभालेगी, लेकिन कमलनाथ को आप आगे कांग्रेस में कहां देखते हैं? क्योंकि आलाकमान से पैट बैठाना बहुत जरूरी होता है किसी भी राजनेता का, किसी भी राज्य से बिलोंग करता हो। ऐसे में अब जो टसन दिखाई दे रही है कि या कोल्ड वॉर जैसे हम कह सकते हैं कि वहां राहुल जी ने जो कहा उसे कमलनाथ जी ने मानने से इनकार कर दिया, तो आगे कमलनाथ जी का भविष्य कांग्रेस में आप कहां देखते हैं, जीते तो हारे तो? देखिए जीते हारे कुछ भी हो, कमलनाथ का जो राजनीतिक कद दिल्ली में है, तो दिल्ली में भी कांग्रेस के अंदर एक जनरेशन गैप वाली जो बात है, एक जनरेशन की जो लड़ाई है, तो जितने भी बुजुर्ग नेता है वो सोनिया गांधी के खेमे में है और युवा जो है वो राहुल गांधी के साथ है। तो वहां पे बड़ा मजेदार दृश्य ये है कि जितने सीनियर मोस्ट लीडर हैं वो चाहते हैं कि सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी रहे। बदलाव के पक्ष में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सीनियर हैं। हाँ, दिग्विजय सिंह जरूर बोलते हैं कि मतलब राहुल गांधी को अध्यक्ष की कमान संभाल लेनी चाहिए, लेकिन बाकी जो नेता है वो अभी भी, उनमें कमलनाथ भी एक है, तो कमलनाथ का गांधी परिवार के प्रति एक वो है, वो संजय गांधी के दोस्त रहे, लंबा समय उनका गांधी परिवार के साथ नजदीक से बीता है। राहुल गांधी से उनकी पटरी बैठ रही है या नहीं बैठ रही है, प्रियंका गांधी से उनकी पटरी बैठ रही है या नहीं बैठ रही है, अलग बात है, लेकिन अब उम्र के जिस दौर में कमलनाथ है तो मुझे लगता है कि उनकी एक आखिरी राजनीतिक पारी है। जिस तरह से वो अपने बेटे को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं आगे की राजनीति के लिए, तो मुझे लगता है कि अब उनके सामने कोई बहुत लंबा रास्ता नहीं है। आप 70-72 साल की एज में आने के बाद आपको रोकना चाहूंगी, क्योंकि तुलसी सिलावट जी इंदौर में सावेर में उनकी सीट पर चुनाव है, वो खुद कैंडिडेट हैं, और मंदिर अब आने जाने का जो दौर था वो भी शुरू हो गया था, प्रचार प्रसार खत्म होने के बाद मंदिर वो भी पहुंचे, दर्शन किए। अनादि टीवी संवाददाता कविता ने उनसे खास बातचीत की, हम दर्शकों को सुनवाते हैं। मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर आज उपचुनाव है और हमारे साथ है सागर के बीजेपी प्रत्याशी तुलसीराम सिलावट जी, आज हम उनसे बात करेंगे। आज जो ईवीएम में कैद हो जाएगी, आपकी किस्मत क्या कहना चाहेंगे? ये जो मतदाता सागर का तय कर चुका है कि वो कमल के फूल को भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी जो बोलती करती है, क्योंकि जो वर्षों से एक पुत्र के रूप में, बेटे के रूप में, भाई के रूप में, सेवक के रूप में, साथी के रूप में मैं सागर की सेवा की है। ये चुनाव शादी और शैतान का है, विकास और प्रगति का है। महीनों से आप यहाँ पे मेहनत कर रहे थे, क्या लगा जनता, मतलब क्या चाह रही है, दो प्रत्याशियों से किसे चुना? ये जनता जो वर्षों से सेवा की है उसके नतीजा आने वाला है। अभी आपने पूजा की, तो क्या अभी आपने भगवान से प्रार्थना की? भगवान से मैंने आराधना की, प्रार्थना की जो हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी हैं, ये सर मुख्यमंत्री वो रहे, सरकार स्थिर रहे और भारतीय जनता पार्टी 28 सीट जीते। तो ये थे हमारे साथ सागर के प्रत्याशी तुलसीराम सिलावट जी, जिन्होंने ये दावा किया है कि वो जनता के विकास के लिए आ रहे हैं। कैमरा पर्सन बलवंत के साथ कविता पांडे, अनादि टीवी इंदौर। और ये वो तस्वीरें देखिए, भगवान से अर्जी लगाई है, मंदिर पहुंचे हैं, अपनी दरखास्त की है कि इस बार तुलसी की कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी विधानसभा क्षेत्र में कमल खिले। तुलसी सिलावट कैंडिडेट हैं बीजेपी के, अब कमल के चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आप तुलसी चाहते हैं कि तुलसी के आंगन में खिले तो कमल खिले।
और चलिए इसी बीच कमल हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गया और वैभव गुप्ता भोपाल से हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। भटनागर सर भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। भटनागर सर, हम वैभव का रुख कर लेते हैं। वैभव, काफी समय आप लोगों ने लोगों से बातचीत की इस चुनावी माहौल में, मार्च के बाद से, चाहे वो रात के 2 बजे तक का समय हो जब मध्य प्रदेश में सियासी घटनाक्रम चल रहे थे, पॉलिटिकल बिग ड्रामास चल रहे थे। और पहला हमने जब देखा कि नारायण पटेल के आने जाने का सिलसिला शुरू हुआ था और ये कहा गया था बाद में उनके निकलने के बाद कि भाई मैं तो नॉर्मल एक औपचारिक मीटिंग करने आया था अपने क्षेत्र के विकास के लिए, तभी से हलचलें शुरू हो गई थी। दंग साहब का पहला इस्तीफा और उसके बाद से पूरी कवरेज आप लोगों ने की। आज वो दिन है जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस आएगी या फिर बसपा बनी रहेगी, ये सवाल खड़ा है। मतदान शुरू हो गया है, मतदान करने के लिए मतदाता केंद्रों में भी पहुंच रहे होंगे और ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर इन तमाम सीटों पर एक वोटर के लिहाज से हम समझें तो वोटर क्या सोचता होगा, वो कहां जाएगा, कमल के पास या पंजे के पास। वैभव, जी बिल्कुल, लोकतंत्र का महाउत्सव होता है चुनाव, और चुनाव में जो जनता होती है वो मतदान के माध्यम से अपनी सहभागिता निभाती है। होली के कुछ दिन पहले से पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ, नारायण त्रिपाठी बार बार मुख्यमंत्री निवास पहुंच रहे थे, तब मुख्यमंत्री थे कमलनाथ, और उन्होंने कुछ इस तरह से बातचीत की, उस तरह से कमलनाथ पर भरोसा जताया कि उनका जो जो विधानसभा क्षेत्र था जिसको वो जिला बनाने की मांग कर रहे थे वो जिला बन गया। और अब दीपावली का वक्त आने वाला है, दीपावली से कुछ दिन पहले मतदान हो जाएगा और दिवाली से कुछ दिन पहले ही तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, क्या बीजेपी की सरकार रहेगी या बीजेपी की सरकार बदलती है तो क्या कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बनने की कोई चांसेस है। हमने वो वाला भी दौर देखा जब नारायण त्रिपाठी के साथ ही तमाम तरह के जो कांग्रेस के मंत्री थे उस वक्त की वो बार बार मुख्यमंत्री निवास पहुंच रहे थे। हमने उस बात को भी सुना जब सीएम के रूप में कमलनाथ कहते हैं, जब वो प्रदेश अध्यक्ष हो गए थे, जब उनसे बात करने के लिए कुछ लोग पहुंचे थे, कि मुझे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भरोसा दिलाया था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रहेगी, सिंधिया भले ही चले जाए लेकिन सिंधिया समर्थित जो विधायक हैं, जो कि मंत्री थे, वो कांग्रेस को छोड़कर नहीं जाएंगे। उसके बाद हमने देखा कि 7 महीने में किस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान काम कर रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि बीजेपी एक टीम के रूप में काम कर रही है। 28 विधानसभा सीटों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के साथ ही केंद्रीय मंत्री की बात की जाए नरेंद्र सिंह तोमर, और खुद बीजेपी से राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनके लिए प्रतिष्ठा का सवाल है ये चुनाव, वो हर गांव पहुंच रहे थे, बीघड़ों में जा रहे थे, छोटे छोटे गांव थे जिसमें केवल 10 से 5 मकान होते थे, वहां पर जनता से मुलाकात करके अपील कर रहे थे उनके पक्ष में मतदान करने की। तो बीजेपी ने एक टीम के रूप में मेहनत की है, वहीं कांग्रेस की ओर से कमलनाथ अकेले ही मोर्चा संभाले हुए नजर आए। अंत समय में जरूर दिग्विजय सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया। अब दिग्विजय सिंह को चुनावी मैदान से दूर रखने की शायद कोई रणनीति रही होगी कांग्रेस की, क्योंकि मिस्टर बंटाधार का जो छवि है वो उनके ऊपर लगी हुई है। तो क्या कमलनाथ ने जानबूझकर उनको चुनाव प्रचार से दूर रखा? प्रियंका गांधी की बात की गई थी कि प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश आएंगी, ग्वालियर चंबल के इलाके से वो मध्य प्रदेश में प्रवेश करेंगी, दतिया में पीताम्बरा माई के दर्शन करेंगी, लेकिन ये केवल बयान आते रहे, केवल तैयारी आती रही। प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं आई, जबकि बेहद महत्वपूर्ण था मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बनती तो एक राज और कांग्रेस के पास पहुंचता, तो शायद आला कमान को इस बारे में सोचना चाहिए कि आप स्टार कैंपेनर की जब लिस्ट बनाते हैं उसमें बड़े नेताओं के नाम तो डाल देते हैं, तो क्या लिस्ट बनाने के लिए ही बड़े नेताओं के नाम होते हैं? राहुल गांधी की बात भी आपने की थी, सोनिया गांधी की बात भी आपने की, प्रमोद कृष्णन को आपने स्टार प्रचारक बनाया, उन्होंने शायद वोट काटे ही हैं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को लेकर जिस तरीके से उन्होंने 3 मामाओं की बात की थी, शकुनी और कंस की बात कही थी, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के जो युवा हैं जिनसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार के दौरान जिन्हें फायदा मिला है, तो वो अगर अपने मामा के बारे में इस तरह की बात सुनेंगे तो कहीं ना कहीं जो वोट बैंक होता है वो कांग्रेस का ही कम होता है। अंत समय में जरूर कांग्रेस एक टीम के रूप में नजर आई, चुनाव प्रचार किया, खुद कमलनाथ पहुंचे सभी विधानसभाओं में, और जब अंतिम 6 बजने के बाद जब चुनाव प्रचार थम गया था उससे पहले कमलनाथ ने ग्वालियर में 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि इस लड़ाई की शुरुआत ग्वालियर से ही हुई, इसलिए मैंने पहले ही तय कर लिया था कि मैं अपना चुनाव प्रचार भी ग्वालियर में खत्म करूंगा और यहाँ की जनता से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करूंगा। लेकिन
सवाल पूरे कांग्रेस पर ही खड़े हुए, आइटम पर भी सियासत हुई, कहीं ना कहीं इस पूरे ही चुनाव में जो बुनियादी मुद्दे होते हैं जिन पर ज्यादातर चुनाव लड़े जाते हैं उनकी बात केवल संकल्प पत्र में की गई, कांग्रेस के वचन पत्र में की गई। नेता अपने बयानों के माध्यम से केवल पक्ष में मतदान करने की अपील तो कर रहे थे लेकिन वो मुद्दों की बात नहीं कर रहे थे, वो बयानों की बात कर रहे थे। चलिए हम लौटते हैं वैभव आपके पास। कमल हमारे साथ बने हुए हैं ग्वालियर से। कमल, यूं तो ग्वालियर बेहद महत्वपूर्ण है, कमलनाथ साहब भी ग्वालियर में ही, उन्होंने एट द लास्ट मोमेंट, उन्होंने प्रचार प्रसार के अंत पर उन्होंने कहा कि मैंने यहीं से शुरू किया था, यहीं पर खत्म किया। उपचुनाव अब यहां पर है और ऐसे में ये भी कहा जाता है कि यहां 5 चुनाव से देखा गया है कि अगर वोट प्रतिशत बढ़ता है तो सत्ता दल हारता है, इस तरह से विश्लेषण होता है तो कहा जाता है। लेकिन आज जब मतदान केंद्र पर आप हैं, मतदाताओं का रुख भी अब मतदान केंद्रों पर दिखाई देने लगा है, क्या कुछ हलचलें हैं वहां पर कमल? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं उपचुनाव की 28 सीटों पर जो आज मतदान होना, इसको लेकर आज जो मतदाता है जो अपना अपना मत लेकर यहाँ पर आए हुए मत करना चाहते हैं, आइए हम उनसे कुछ जानकारी लेते हैं कि उनकी क्या मुद्दे रहेंगे जिनसे वो बात करेंगे। आप आज मतदान कर रहे हैं तो क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मुद्दे तो पूरे पब्लिक के पास है और जो सरकारें बनती है वो सक्षम होती है नहीं होती है तो देखिए राष्ट्रीय कमल जानने की कोशिश कीजिए कमल कि किन्हें उन्होंने पसंद किया, जो गद्दार प्रचार किया गया था गद्दार को लेकर, ये पूछे कि क्या उसे जनता ने पसंद किया या जनता ने शिवराज जी को पसंद किया, कौन सी वो बातें थी जो जनता को अफेक्ट कर गए, क्यों वो मतदान करने पहुंचे हैं, पूछिए लोगों से। जी 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 कमल, हम सर मतदान ग्वालियर के पूरे मतदाता मतदान केंद्र पर जहाँ से हम बात करते हैं, सर आप बताइए जो आप आज मतदान करने आए हैं तो क्या मुद्दे रहेंगे आपके और किसकी सरकार बनाना चाहेंगे? इसकी सरकार बनाना चाहेंगे अगर ये बता दिया तो फिर गोपनीय मतदान नहीं रह जाएगा जी। बाकी बहुत अच्छी सरकार बने और जो जनता का हित सोचे, जनता के भले के लिए काम करे, ये हमारा प्रयास रहेगा, ऐसे दल को वोट दिया जाएगा। मतदाताओं को टटोलना हमेशा से ही मशक्कत भरा रहा है। आप आज मतदान करने आए तो क्या मुद्दे रहेंगे आपके, जो कौन सी सरकार को चाहेंगे जो आपके पथ पर काम करे, सड़क पानी मुद्दे के मुद्दे ना रहे, विकास हो सके? चलिए कमल, कमल अभी कोई नहीं आपसे बात करना चाहेगा क्योंकि जाहिर है मतदाता जागरूक है, हम जानते हैं सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ हर एक मतदाता है और वो समझता है कि गोपनीय मतदान है, यानी मीडिया के सामने ये नहीं जाहिर करना है कि मैं किसको वोट देकर आ रहा हूँ, किसका चिन्ह दबा रहा हूँ, तो जाहिर है थोड़ी मशक्कत आपको करनी पड़ेगी। लेकिन अब ये बताइए, तस्वीरें दिखाइए किस तरह का माहौल आसपास आपको दिखाई दे रहा है कमल? बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूंगा मतदान केंद्र पर मतदाता लाइन पर लगा हुआ है और आप देख सकते हैं कितने उन्होंने उत्साह दिखाई दे रहा है जो मतदान करने के लिए आए हुए हैं। जी जी, मतदान करने के लिए आए हुए हैं, आप देखिए काफी लोग हैं जो उत्साह दिखाई दे रहे हैं उनमें, मतदान के लिए जो काफी सोच है अपने घर से उठकर मतदान के लिए आए, मतदान अपना एक उनका एक मुद्दा रहता है, विकास हो, प्रगति हो, जो उनके मुद्दे हैं बेरोजगारी से लेकर सड़क पानी बिजली तक के सभी को लेकर आज मतदान करने आए। और देखने वाली बात तो ये होगी कि आज 3 नवंबर है जहाँ उपचुनाव हो रहा है, जिसको लेकर 10 नवंबर को सारी जो इसका निर्णय निकलेगा सरकार की। बिल्कुल, 10 तारीख को जब ये पिटारा खुलेगा किसने किसको वोट दिया, ये पता चलेगा किसने कौन सी सरकार को चुना है, कहाँ की वोटर्स कौन सी गवर्नमेंट को पसंद करेंगे, ये पता चल जाएगा। बहरहाल आप नजर बनाए रखें, कोई अपडेट्स होता है तो बिल्कुल फौरन बताइएगा। प्रकाश सर, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो रहा है मतदान केंद्रों पर, लेकिन ये पहला समय है जब इतनी भयावह महामारी के बीच मतदान हो रहे हैं और जनता में भी वो जोश हम देख रहे हैं। देखिए मतदान केंद्रों पर भी लाइनों में लोग खड़े हुए, कतार में खड़े हुए और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा माहौल कभी देखा नहीं कि कोई इतनी बड़ी महामारी देश में चल रही हो और लोग तब भी अपने जोश के साथ, उत्साह के साथ अपने अधिकार का उपयोग करने आगे बढ़ रहे हों। पारुल, मुझे लगता है कि यही लोग भारतीय लोकतंत्र की मजबूती है,
एक बहुत बड़ी महामारी से हम पूरा देश सामना कर रहा है, जिसका हमें इलाज पता नहीं है, जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। बिल्कुल एक ऐसी अज्ञात बीमारी है, कौन कब कहाँ कैसे इससे संक्रमित होगा इसके बारे में कोई नहीं जानता। तो सिर्फ सावधानियां रखने के जो तौर तरीके हैं, तो इससे बड़े लोकतंत्र में देखिए मतदान की अनिवार्यता होती है, चुनाव की अनिवार्यता होती है, जनता की सरकार जनता तय करती है। तो इसके दौर में किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था हम देख रहे हैं, मतदाताओं के बीच में दूरी, सैनिटाइजेशन, सारा इंतजाम जो है चुनाव का बड़े अच्छे तरीके से मुझे लगता है चुनाव आयोग ने किया है। और हमारे यहाँ तो 28 सीटों पर उपचुनाव है, बिहार के अंदर पूरे राज्य का चुनाव हो रहा है, और वो भी कोरोना काल का मुझे लगता है पहला बड़ा चुनाव है। तो चुनाव आयोग की जो सक्षम है, परिस्थितियों से लड़ने की जो क्षमता है, तो वो चाहे हमारे प्रशासनिक उसमें हो, चाहे वो हमारे लोकतंत्र में जनता के बीच हो, तो बराबर भागीदारी और बराबर जनता का रुझान लोकतंत्र के प्रति। तो एक बहुत बड़ी महामारी के बीच में लोगों का इस तरह से मतदान के लिए जाना, अब मतदान का प्रतिशत कितना रहता है, जब हमें शाम को 6 बजे पता चलेगा, तब हमें ये बात भी समझ में आएगी कि कोरोना को लेकर लोगों का भय अब दूर हुआ है, उससे लड़ना वो सीख गए हैं। कोरोना की महामारी के बीच कब तक उन्हें साथ रहना है, ये एक अनिश्चितता है कि अब कब तक कोरोना हमारे बीच रहेगा हमें पता नहीं। लेकिन हम अपनी दिनचर्या को, रोजमर्रा की चीजों को रोक नहीं सकते, तो हम किस हद तक उससे सावधान है, ये हम जब शाम को मतदान का जब आखिरी हम देखेंगे कि कितने प्रतिशत मतदान मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर हुआ, तब हमें और अच्छे से समझ में आएगा। बिल्कुल। और सर अब बीच में हम कोशिश भी करेंगे कि आपसे सीटों का विश्लेषण भी लेते चलें। जौरा को लेकर आपका क्या कहना है सर, क्योंकि यहाँ भी टफ फाइट हम देख रहे हैं, और सूबेदार सिंह राजौदा और पंकज उपाध्याय दोनों के बीच है इलेक्शन, और कहा यह भी जाता है कि यहाँ पर थर्ड फ्रंट भी खेल बिगाड़ने के लिए तैयार रहता है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं होता। आपका एनालिसिस सीट को लेकर क्या कहता है? देखिए, जौरा के अंदर सूबेदार सिंह राजौदा, यहाँ पर कांग्रेस विधायक के निधन के कारण उपचुनाव हो रहा है जी, और यहाँ पर कांग्रेस ने एक चूंकि जातिगत समीकरण है, वहाँ पे बीजेपी से ठाकुर प्रत्याशी है, कांग्रेस ने ब्राह्मण को उतारा है जी। बहुजन समाज पार्टी से यहाँ सोनेराम कुशवाहा है, जो 2 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं, वो भी महत्वपूर्ण एक उम्मीदवार है। लेकिन कांग्रेस ने एक बाहर से आए हुए उम्मीदवार को यहाँ पर टिकट दिया है, हालांकि वो अपेक्षाकृत युवा है, लेकिन जो हम लोग वहां पर गए थे जोरा में, तो मुझे लगता है कि वहां का जो ब्राह्मण है वो इस बार शायद भारतीय जनता पार्टी की तरफ टर्नआउट हो रहा है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में मुझे लगता है जोरा में संघर्ष होगा। जीतेगा कौन ये 10 तारीख को पता चलेगा, लेकिन जोरा के अंदर बड़ा रोचक चुनाव हो रहा है, और इस समय वहां पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो बढ़त बनाए हुए है, ये हम कह सकते हैं। बिल्कुल सर। उसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सुमावली सीट, यहाँ पर भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी तरफ से जानना। इंदल सिंह कंसाना, अजब सिंह कुशवाहा, पीएचई मंत्री है इंदल सिंह कंसाना, और इंदल सिंह कंसाना का पारुलिया काफी अच्छा असर है, वो पहले भी सीट से विधायक रह चुके हैं, बहुजन समाज पार्टी से भी रहे, कांग्रेस से भी रहे, और पहली बार वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ही है, सरकार में मंत्री रहते हुए चुनाव हुए, शायद पहली दूसरी बार लड़ रहे हैं। तो पहली बार वो दिग्विजय सिंह की सरकार में मंत्री थे, तब उन्होंने चुनाव लड़ा था, और अब इस बार वो बीजेपी सरकार के मंत्री हैं, तो उनका व्यक्तिगत वहाँ पर प्रभाव है। वहाँ पर भी जो है सुमावली में भी ब्राह्मण ठाकुर मतदाताओं का काफ़ी असर है, उसके अलावा कुशवाहा है, तो जातिगत समीकरण जो है वो अपने हिसाब किताब से कौन उम्मीदवार बिठा पाता है ये थोड़ा सा दिलचस्प होगा वहाँ पर देखना। लेकिन ज़्यादा जो अच्छी हालत जो हमने देखा था, लोगों से बातचीत करके देखा था जी, तो वहां पर एदल सिंह कंसाना के पक्ष में लोग थे। 2018 में जो वोट प्रतिशत था सर, 71% वोट प्रतिशत था, और इस बार हम तो उम्मीद ही करते हैं कि अच्छा हो, लेकिन पर ये जो चुनाव उपचुनाव हो रहा है, तो मुझे लगता है कि सभी सीटों पर वोटिंग अच्छी होगी जी, खास करके मध्य प्रदेश में जो ये सभी लगभग शहरी क्षेत्र, ग्वालियर में दो, ग्वालियर पूर्व और वो है ग्वालियर, तो बाकी जगह जितने भी क्षेत्र है वो ग्रामीण, और वहां पर वोटिंग आमतौर पे अच्छी होती आई है, और जिस तरह से हम मतदाताओं को देख भी रहे, तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे मतदाता जागरूक है, वो अपना वोट देगा,
और वोट देते समय जो भी चीजें उसे ध्यान रखना है, वो चाहे दल बदल का इश्यू हो, चाहे किसान कर्ज माफी का हो, चाहे एक अच्छे मुख्यमंत्री के चयन का मामला हो, जो जो भी चीजें वो अपने ध्यान में रख के तय करेगा उसी आधार पर वोट देगा। तो मुझे लगता है कि मतदाता ही मध्य प्रदेश के भविष्य का जो है सही निर्णय आज कर लेगा। बिल्कुल, लेकिन जैसे कि हम लगातार ये टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि मतदाता के अंदर चल क्या रहा होगा, कई ऐसे वोटर्स हैं जो स्टार्टिंग मुद्दों से प्रभावित हुए होंगे, कई ऐसे वोटर्स हैं जिनको सिर्फ अपने परेशानियों से मतलब होगा कि आपने मूलभूत सुविधाओं के लिए क्या किया। जो विधायक रहे उन्होंने 15 महीने में या फिर 11 महीने, जैसे कि कमलनाथ जी कहते हैं कि हमें तो टाइम ही नहीं मिला काम करने का, उन्होंने क्या काम किया जो स्विच करके आप पार्टी चेंज करके कमल के चिन्ह पर फाइट कर रहे हैं। तो अलग अलग मतदाताओं का अलग अलग मूड होगा, लेकिन आपको क्या लगता है ज्यादा किस चीज ने प्रभावित किया होगा वोटर्स को? देखिए, जिन क्षेत्रों में हम लोग गए थे, तो वो चाहे भिंड हो, चाहे वो मुरैना हो, चाहे वो गुना हो, हम मानदाता भी गए थे और सागर भी गए थे, सुर्खी भी गए, सुर्खी में भी होके आए, तो सभी सीटों पे आए। दो तीन चीजें जो है मेरे खास तौर पे ध्यान में आई भिंड में, कि वहाँ पे जो बीहड़ था वो बीहड़ अब समतल करने की प्रक्रिया चल रही है, लोग कर रहे हैं उस पर खेती करने लगे, छोटी छोटी जगहों पे अच्छी सड़कें देखने को मिली, सिंचाई के साधन देखने को मिले। मुरैना के अंदर भी हमने ये देखा कि मुरैना के अंदर भी अच्छी नहरों का जाल बिछा हुआ था, मुरैना में पानी का जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी काफी अच्छा हिस्सा, चाहे वो सुमावली हो, चाहे वो मुरैना हो, चाहे वो हमने दिमनी में देखा बड़ी बड़ी सड़कें। तो मुझे लगता है क्षेत्र में विकास तो हुआ ही है। इस विकास के अलावा लोगों की क्या समस्याएं हैं, जब हम लोगों से बातचीत भी करते हैं तो कोई ऐसे इशू वहां पे सामने नहीं आए। ज्यादातर इशू उम्मीदवार, कांग्रेस और बीजेपी की सरकार, दल बदल, ये ही चीजें जो है वहां पर लोगों के बीच में चर्चा थी। और उसके अलावा जातिवाद सबसे बड़ा फैक्टर है कि जातिगत समीकरण किसके पक्ष में होंगे। तो निश्चित तौर पर राजनीतिक दल जब उम्मीदवार का चयन करते हैं तो इन सारी बातों का ध्यान रख के ही अपना उम्मीदवार मैदान में उतारते हैं। तो उसके अलावा आप जातियों का कॉम्बिनेशन आपस में कैसा बैठता है, वो सारी चीजें इस चुनाव के नतीजे को प्रभावित करेंगी। चॉइस ऑफ कैंडिडेट्स, उम्मीदवारों का चयन, ये कांग्रेस में हमने देखा कि अलग अलग कैंडिडेट्स का तो चयन होता ही है, लेकिन कुछ कमलनाथ की पसंद थे तो कुछ दिग्विजय सिंह साहब की पसंद थे। तो यहाँ आपको कहीं उमंग सिंगार साहब की भी चली है, तो आपको यहाँ आपको कैंडिडेट्स का जो डिवीजन दिखाई देता है, अलग अलग उम्मीदवारों का जो चयन है, हालांकि जैसे कि शुरुआत में भी आपने बताया कि कई ऐसे लोग हैं जो दल बदल करके कांग्रेस में आए हैं, कांग्रेस ने भी उन्हें टिकट दिया है, तो इसे आप ठीक मानते हैं जो कैंडिडेट्स को टिकट देने का काम है? क्योंकि पिछली बार जैसे कि शुरुआत में मैं जब स्टार्टिंग की थी तभी कहा था कि जब 2018 का चुनाव था तभी कहा जा रहा था कि नतीजे आए थे कि शिवराज जी जो वोट परसेंटेज की बार बार बात कर रहे थे, इसलिए भी हुआ क्योंकि टिकट सही नहीं बटे, जो टिकट कम हुए वो टिकट सही नहीं बटे, जो उम्मीदवार कम हुए। तो आपको क्या लगता है इस बार कांग्रेस ने जो टिकट वितरण किया है उपचुनाव में, इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, कांग्रेस के पास बहुत मतलब चूंकि एक बहुत बड़ा दल बदल एक क्षेत्र विशेष में ही हो गया जी। और लंबे समय से ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस की राजनीति में ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रभाव है, उनकी पसंद नापसंद के हिसाब से कांग्रेस में टिकट बंटते रहे। तो निश्चित तौर पे पूरी वहां पे कांग्रेस के जो पदाधिकारी होते थे वो भी उनकी पसंद के होते थे। तो जब उन्होंने दल बदल किया और अगर कोई एक नेता जो अपने समर्थकों के साथ, विधायक और मंत्रियों के साथ दल बदल, बड़ा दल बदल करने में सक्षम है, तो निश्चित तौर पर वहाँ जो संगठन का ढांचा है, संगठन का जो आधार है, वो कांग्रेस का कमजोर हुआ। और इसके अलावा आप पारुल एक बात पे और गौर कर सकती हैं कि जब 2018 में भी चुनाव हुआ था 230 सीटों के लिए, तो कांग्रेस के पास हर सीट पे जीतने लायक उम्मीदवार नहीं थे। और हमने देखा कि देखिए आप छत्तीसगढ़ के अंदर देखिए कितना बम्पर बम्पर 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी, उसका लाभ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने किस तरह से उठाया और मध्य प्रदेश में किस तरह से उठाने से वो वंचित रह गए। यहाँ पर वो 114 सीटें ला पाए और बीजेपी 109 सीटें ले आई। अब मुझे लगता है कि बीजेपी सरकार भी बना लेती, चौथी बार भी सरकार बना लेती, तो बीजेपी में भी चूंकि मुख्यमंत्री की उस समय ज्यादा चली तो कुछ स्वाभाविक तौर पर टिकटों के बंटवारे में वहां पर गलती हुई। उस गलती का खामियाजा यह हुआ कि वो कुछ जरा 5-7 सीटों से वो पिछड़ गए। तो निश्चित तौर पे वो जो गलती की थी, लेकिन आप उससे बड़ा देखिए कि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी को यदि कांग्रेस अच्छे से नहीं बना पाई, नहीं तो ये सब चीजों की नौबत ही नहीं आती।
बिल्कुल। और डबरा अगर हम बात करें तो यहाँ से ही वो आइटम शब्द निकलकर सामने आया था जिसने नेशनल लेवल तक डबरा सीट को फेमस कर दिया था। वैसे कुख्यात तरीके से ही कहा जाएगा क्योंकि शब्द तो अच्छा नहीं था, लेकिन जी इसे देखिए पारुल, डबरा के अंदर इमरती देवी चुनाव लड़ रही है, लगातार 3 बार वो विधायक रह चुकी है, चौथी बार वो चुनाव मैदान में है। हाँ। और कांग्रेस ने जिनको उम्मीदवार बनाया है वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़के इमरती देवी से भारी भरकम वोटों से हारे। इमरती देवी पिछली बार 50,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीती थी, और इस बार भी मुझे लगता है कि बहुत जमीन से जुड़ी हुई नेता है, बड़ी जमीनी नेता है, और वहां पर उनका अच्छा प्रभाव है, तो मुझे लगता नहीं कि किसी तरह की दिक्कत इमरती देवी को चुनाव जीतने में आएगी। बल्कि ये आइटम वाला जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद उनकी जीत न तो सिर्फ सुनिश्चित हो गई बल्कि मुझे लगता है कि उनकी जीत का जो मार्जिन है वो शायद पहले से ज्यादा हो सकता है। बिल्कुल। और जो लोगों की भावनाएं हैं खासतौर पर महिलाओं के प्रति, और इमरती देवी तो खुद जनता से जुड़ी हुई नेत्री हैं, महिलाओं से जुड़ी हुई नेत्री हैं, तो उन लोगों में एक अच्छे तरीके से कैंपेन के जरिए ये पहुंचाया गया कि किस तरह से सम्मानित होते हैं। फिर ऐसे महिलाओं के प्रति तो इस मुद्दे को ऐसे हाईलाइट किया गया इमरती देवी जी की तरफ से भी और पूरी बीजेपी की तरफ से कि कमलनाथ जी का किस तरह का रवैया है। इसमें एक मजेदार चीज और भी है जी, कि डबरा सुरक्षित सीट है, इमरती देवी दलित जाति से आती है जी, आरक्षित है, और इस घटनाक्रम के ऊपर मायावती का भी ट्वीट आया। बिल्कुल। मायावती का भी एक निश्चित वोटर है, उस पे उनका बहुजन समाज पार्टी का जो असर है मायावती का असर है, और वहां पर उन्होंने एक दलित महिला के अपमान की बात कही, तो मुझे लगता है कि वो भी कांग्रेस के खिलाफ बाकी सीटों पे भी असर कर सकता है। यानी ये कहा जा सकता है कि एक तीर से कई निशाने किए, महिला वोटर्स भी और दलित वोटर्स भी, बसपा को भी आप कहीं ना कहीं अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में कामयाब रहे। डबरा सीट को लेकर तो हम कह ही सकते हैं कि वहां से जनता जुड़ी हुई है इमरती देवी से, तो उन्होंने पर्सनली उस रिलेटेड टॉपिक को ले लिया था। और पारुल, इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी की भूमिका पे गौर करें हम जी, तो पहली बार वो मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव लड़ रहे, वो उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव नहीं लड़ते थे जी। वो मध्य प्रदेश या कहीं भी उपचुनाव नहीं लड़ते थे, लेकिन इस बार वो लड़ रहे हैं। फिर उसके बाद जब इमरती देवी का प्रकरण हुआ तो उनका ट्वीट आया मायावती का, और अभी जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, अभी राज्यसभा का और उसका विधान परिषद का चुनाव हुआ, तो वहां पर मायावती ने कहा कि जिन जो सीटें जो उनके वोट खाली है वो बीजेपी का समर्थन करेंगी। तो निश्चित तौर पर मायावती के जहन में यह है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी ताकत ना बढ़ा पाए, क्योंकि कांग्रेस वहां चौथे पांचवें नंबर की पार्टी है, और प्रियंका गांधी जिस तरह से लगी हुई है हर मुद्दे पे वो सक्रिय भूमिका में दिख रही है जी। तो मुझे लगता है कि वो मायावती उस चीज को नोटिस कर रही है और उनकी कोशिश कांग्रेस को कमजोर करने की है। तो बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में नहीं चाहेगी कि कांग्रेस की ताकत बढ़े, कांग्रेस की यदि ताकत बढ़ती तो उसका खामियाजा वो उसके खाते में जा सकता है। तो निश्चित तौर पे वो इस एक नई रणनीति के साथ में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करती प्रतीत हो रही है। बिल्कुल। और ऐसे में एक चीज वो भी देखी गई कि जब ये आइटम वाला बयान आया और उसी के बाद एक और बयान आया था जिसको नहीं कहा जा सकता, फिर बाद में जब डिबेट चली तो ये भी कहा गया कि दोनों पार्टियों में कुछ ऐसे नेता बैठे हुए हैं जो नहीं मानते, लेकिन अगर कद की बात होती है तो कहा जाता है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इतने बड़े कद के नेता अगर इस तरह के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, और ना केवल बीजेपी ने ये प्रचारित किया, उन्हें आईफा और जैकलीन फर्नांडिस वाली तस्वीर वो भी उसे भी प्रचारित किया और ये बताने की कोशिश की कि क्या कैरेक्टर है वो क्या अब क्योंकि मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश हमारे देश में ही महिलाओं को किस तरह से पूजा जाता है, और जब महिलाओं की बात आती है तो किस तरह से संवेदनशील हो जाता है हर घर, हर परिवार, हर वो पिता जो हर एक घर के अंदर बैठा हुआ है। तो यहाँ आप क्या देखते हैं कि वाकई एक कमलनाथ जी के पर्सनल लेवल पर इसे नुकसान पहुंचाने वाला ये मोमेंट रहा होगा, ये शब्द रहा होगा? देखिए, खास करके जब हम कमलनाथ जी की तुलना शिवराज सिंह चौहान से करते हैं जी, तो इस मामले में बिल्कुल अलग दृष्टिकोण देखने को मिलेगा। कमलनाथ जी ने जिस तरह से बयान दिया, जिस तरह से वो उनका जो आईफा अवार्ड्स वाला इशू था वो अपनी जगह हो सकता है, लेकिन आप महिलाओं के प्रति शिवराज सिंह चौहान का रवैया देखेंगे
तो मुझे नहीं लगता उन्होंने आज तक कभी कोई ऐसी टिप्पणी किसी के लिए भी की हो। और उसके अलावा मध्य प्रदेश के अंदर वो शायद ऐसे मुख्यमंत्री इकलौते हैं जिन्होंने अपने 13 साल के कार्यकाल में महिलाओं के लिए जितनी योजनाएं लाई, एक किसी एक मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए इतनी योजनाएं बनाई, तो मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान इस मामले में मध्य प्रदेश में अव्वल है। तो एक आप नजरिया महिलाओं के प्रति हम देखते हैं, जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे और नेता थे तब वो कन्यादान कराते थे, जो अपना विधानसभा क्षेत्र बुधनी में सामूहिक विवाह कराते थे अपनी तरफ से, तो वो उनका जब वो मंत्री भी नहीं थे विधायक भी नहीं थे तब से कराते आ रहे। और जब वो उन्हें मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला तो सबसे पहले उन्होंने कन्यादान योजना शुरू की, जो वो खुद करते थे उसे सरकार के साथ उन्होंने प्रयोग में लाया, तो गरीब कन्याओं की शादी का एक रास्ता खुला। तो शिवराज सिंह चौहान ने समाज के गरीब तबके को अपने साथ सामाजिक सरोकारों से जोड़ा, चाहे वो कन्यादान योजना हो, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे वो जननी सुरक्षा योजना हो, चाहे वो तीर्थ दर्शन योजना हो, उन्होंने लोगों को सीधा अपने से कनेक्ट किया। मुझे लगता है इस मामले में कमलनाथ उनके सामने 10% भी नहीं है, तो एक बहुत बड़ा फर्क है। इस चीज पे भी अगर लोग गौर करेंगे तो वो तय करेंगे कि उन्हें क्या करना है आज के मतदान में। कार्यशैली, वर्किंग क्षमता दोनों की अलग अलग थी सर, और बार बार इसे बीजेपी ने खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आप तो मंत्रालय में बैठे रहते थे, वल्लभ भवन में बैठे रहते थे, आप तो निकलते ही नहीं थे, और बार बार ये बताने की कोशिश की कि हम आप लोगों से जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, और आप लोगों के सुख दुख में आप लोगों के बीच खड़े हुए दिखाई देते हैं, और वो होता भी है, हमने भी देखा है। लेकिन जो वर्किंग पैटर्न था कमलनाथ जी का अलग था, जिसमें जिसको लेकर बार बार ये कहा गया कि आपने तो सुख दुख में भी शामिल होना जरूरी नहीं समझा, और ये जनता के बीच इसे भी खूब प्रचार प्रसार लेकर जाया गया, खासतौर पर जो कार्यकर्ता जो जनता के बीच में जा रहा था वो इस मैटर को भी बार बार भुनाने की कोशिश कर रहा था। तो क्या वर्किंग स्टाइल, वर्किंग पैटर्न भी वोटर पर किसी तरह की कोई उसकी मनोस्थिति पर कोई प्रभाव डालता है? देखिए, निश्चित तौर पे किसी भी नेता के कार्य करने का तरीका, उसका जनता से जुड़ने का तरीका उसको वोटर को प्रभावित करता है। हमने देखा कि शिवराज सिंह चौहान जब 13 साल मुख्यमंत्री रहे तो वो लगातार दौरे करते थे, लगातार जनता के बीच में जाते थे, ओला हो पाला हो कुछ भी हो तो वो जनता के बीच में जाते थे, खेतों में पहुंच जाते थे, किसानों के बीच जाते थे। चुनाव के दौरान भी वो लगातार 6 महीने मुझे लगता पूरा मध्य प्रदेश नापते रहे, वो लगातार जनता के बीच में गए। और मैंने मतलब वो दौर भी देखा है कि मतलब उनके प्रति एक ऐसा दीवानापन देखा है कि लोग उनको छूने के लिए मतलब वो होते, तो वो ऐसा आभा मंडल या ऐसा ग्लैमर आपका तब होता है जब आप जनता को लगता है कि हमारे जैसा आदमी है ये मुख्यमंत्री है। दूसरी बात हम देखते रहे कि शायद वो पहले मुख्यमंत्री जो जनता के से इतने ज्यादा कनेक्ट हुए, और जब अभी यार उन्हें मौका मिला वापस चौथी बार मुख्यमंत्री बनने का जी, तो इन 6 महीनों में जितना वल्लभ भवन में शिवराज सिंह चौहान बैठे शायद वो 13 साल में ना बैठे हो, लेकिन इस दौरान उन्होंने वल्लभ भवन में बैठ के भी लगातार जनता से संवाद किया, वो वर्चुअल किया, क्योंकि कोरोना के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का एक बहुत बड़ा फैक्टर था, लोगों के बीच जाना आने था, लॉकडाउन था, लेकिन उस लॉकडाउन के अंदर समाज के हर तबके के बीच उन्होंने बातचीत की वल्लभ भवन में बैठ के। तो ये जो काम करने का तरीका है, लोगों से रोज संवाद करने की जो उनकी शैली है, वो उन्हें वाकई में एक अलग राजनेता बनाती है। और उस मतलब बात कमलनाथ जी की नहीं है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में भी शायद उनके जैसा इतनी मेहनत करने वाला कोई नेता हमने देखा। अभी हाल वो 4-4, 5-5 बार एक एक विधानसभा क्षेत्र में प्रचार कर दिया है, रोड शो भी कर दिया, सभाएं भी की, सब किया उन्होंने। तो मुझे लगता है कि अब इतनी मेहनत कमलनाथ शायद नहीं कर सकते थे, या कांग्रेस में दूसरा कोई ऐसा वजनदार या चमकदार नेता जिसे कह सकते हैं कि जिसकी जनता में अपील हो, और कोई ऐसा नेता है नहीं। कमलनाथ की भी जनता में कितनी अपील है ये अब हमें इस बार समझ में आएगा, क्योंकि पिछला चुनाव तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को सामने रख के कांग्रेस ने लड़ा था, और उस समय डिमांड जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया की ज्यादा होती थी। वो चाहे किसी भी गुट का कांग्रेस का जो नेता चुनाव लड़ रहा था वो चाहता था कि उसके चुनाव क्षेत्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया सभा करे। बिल्कुल, यहाँ पे हम देखेंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आए तो बीजेपी ने उनको कोई बहुत ज्यादा हाइप नहीं दी। शिवराज सिंह चौहान को पार्टी ने अपना नेता माना तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी यही बात बोली, और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अलग तरीके से प्रचार किया, सामूहिक तौर से भी प्रचार किया। तो जिस रणनीति के साथ में बड़े कद के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी, ये भी कि जब उन्होंने ज्वाइन किया था वो मेंटली प्रिपेयर थे कि जिस पार्टी में वो जा रहे हैं उसकी रीत नीति क्या है, वो किस तरह की परंपराओं के साथ वो पार्टी चलती है। मुझे लगता है पर बड़ा निर्णय था
अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, कांग्रेस को तोड़ा है, यहाँ पे सरकार बनाई है, तो बहुत बड़ा राजनीतिक निर्णय था वो। और चूंकि सिंधिया परिवार का, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो या भारतीय जनता पार्टी हो, जनसंघ के जमाने से साथ रहा। हम देखते हैं कि उनकी दोनों बुआएं अभी भारतीय जनता पार्टी में थी, एक राजस्थान में मुख्यमंत्री रही, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रही, राजमाता का जो इनकी दादी है ज्योतिरादित्य सिंधिया की, उनका योगदान भारतीय जनता पार्टी मानती है। अभी हाल उनपे एक सिक्का भी जारी किया था उनकी क्षति पे, तो मुझे लगता है कि अशोकनगर लेकर चलना चाहेंगे हम दर्शकों को, जहां कपिल हमारा संवाददाता मौजूद है, और अशोकनगर में किस तरह का उत्साह मतदाताओं में देखा जा रहा है, और अशोकनगर की इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्या माहौल दिखाई दे रहा है। कपिल, तस्वीरें भी दिखाइए और बताइए मतदान केंद्रों पर किस तरह की व्यवस्थाएं, मतदाताओं में आप किस तरह का जोश देख रहे हैं, कोरोना काल है और किस तरह के इंतजाम, और क्या वाकई कोरोना काल को समझते हुए मतदाता पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं, गाइडलाइंस का पालन हो रहा है। कपिल जी, बिल्कुल, यहाँ पे सुबह 6 बजे से ही मतदान केंद्र पर जो कर्मी लगे हुए हैं उन्होंने अपनी सारी व्यवस्थाएं शुरू कर दी थी, और जो भी राजनीतिक दल हैं उनके जो भी अभ्यर्थी थे उन्होंने यहाँ पर आकर सारी व्यवस्थाएं देख ली थी, और 7 बजे से यहाँ वोटिंग शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी सुबह का मौसम है और ठंडी भी थोड़ी ज्यादा लग रही है, इसलिए उतनी स्पीड में मतदान तो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का करके लोग आ रहे हैं, और कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है, सबकी थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, जो व्यक्ति मास्क लगाकर नहीं आया है उन्हें मास्क भी दिया जा रहा है। इस तरह से यदि देखा जाए तो भाजपा, कांग्रेस और सपाक्स और VSP सहित कुल मिलाकर 9 प्रत्याशी इस चुनाव में अपनी भाग्य आजमा रहे हैं। जी ये भटनागर सर, ये वो सीट है जहां जज्जी साहब और आशा धोरे आमने सामने हैं, और यहाँ एक ऑडियो वाला मसला जो था सभी वोटर्स के जहन में भी होगा शायद, मुझे लगता है, क्योंकि उसमें रकम की भी बात हो रही थी, पैसों की भी बात हो रही थी, और मैं यहाँ रखकर आई हूँ, उसे हमने भी अपने दर्शकों तक उस पूरी ऑडियो को भी दिखाया था, और इन दोनों से भी सवाल पूछे थे, तो यहाँ इनकी एक अलग ही बहस छिड़ गई थी। कितना लगता है आपको कि यहाँ कितना फर्क पड़ने वाला है पुराने मुद्दों का और अभी जो सियासी घटनाक्रम टर्नआउट हुआ मार्च के बाद से इसका? अगर देखा जाए तो वो पुराना जो वीडियो वायरल हुआ था, उसको वायरल जब हुआ था तो मतलब जिस अनीता जैन जिनका ये नाम आया था उन्होंने भी कहा था कि ये उन्होंने वायरल नहीं किया है, और पूरे चुनाव में देखा जाए तो इस मुद्दे पर उस टाइम तो बहस हुई थी, मगर चुनाव के दौरान इस मुद्दे को लेकर किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप या इस तरह की चर्चा इस चुनाव में नहीं हुई है। यहाँ पर देखे जाए तो कुछ व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप होते रहे और अपने अपने मुद्दों को लेकर दोनों ने कैंपेनिंग अच्छी तरह से की है। चलिए मैं एक तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा देती हूँ शिवपुरी के पौरी से, जहाँ बीजेपी कैंडिडेट सुरेश धाकड़ ने वोट डाला है, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कोरोना काल, मास्क है, अमूमन जब पिछला चुनाव हमने देखा था तो मास्क, सैनिटाइजर या इस तरह की कोई बात नहीं होती थी, लेकिन जैसे ही ये महामारी हम देख रहे हैं तो मास्क के बगैर तो भाई काम ही नहीं चल रहा है। सैनिटाइजेशन, मास्क और जो मतदान केंद्रों में कर्मियों और जो मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है उनकी भी संख्या बढ़ा दी गई है। पौरी से तस्वीरें, 2018 में मेरा मुकाबला हाथी से था और आज भी मेरा मुकाबला हाथी से, मतलब पंजे को आप किसी लाइन में नहीं मान रहे हैं? पंजे तीसरे नंबर पर जा रहा है। ना हमारे श्रीमंत भाई बदले हैं, ना मैं बदला हूँ, केवल बदला तुम्हारा निशानी तो बदला, ना हमारी पब्लिक बदली है, सारी जनता जनता का लाल प्यार में लिया है, और बहुत अच्छे से चुनाव में निकालूंगा, और जिस चुनाव भाजपा की जीत है और पूरी 28 चलिए। तो सुरेश धाकड़ राज्य मंत्री PWD और अपने मत का उपयोग किया है। हम पहले अशोकनगर को लेकर बात कर लेते हैं भटनागर सर, कपिल भी बने हुए हैं, आप भी कुछ पूछना चाहे तो पूछेगा, आप क्या कहते हैं अशोकनगर सीट को लेकर भटनागर सर? देखिए परुल, अशोकनगर, गुना में मुंगावली, अशोकनगर और ये जो सीटें हैं ये ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है। गुना वो क्षेत्र है जो इस राजनीति ग्वालियर के सिंधिया घराने का सबसे मजबूत इलाका माना जाता है। जब भी चाहे यहाँ पर राजमाता विजयाराजे सिंधिया भी जो है सांसद रही, माधवराव सिंधिया सांसद रहे, और जो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी यहाँ से लगातार सांसद रहे,
पिछला चुनाव पहली बार वो हारे, तो मुझे लगता है कि उनकी प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई सीट है। यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस का अपना एक अलग वो है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा असर सिंधिया राज घराने का है। तो इन चारों सीटों के नतीजे क्या होते हैं गुना जिले में और शिवपुरी जिले में, तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये 6 सीटें हैं जहां पर सिंधिया घराने की सीधी प्रतिष्ठा दांव पर है। जैसे कि आपने कहा सिंधिया घराने की सीधी प्रतिष्ठा दांव पर है, और यहाँ ये भी कहा जाता है ग्वालियर चंबल में कि कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर वोटर सिर्फ सिंधिया परिवार को ही वोट करता है, वो महल को ही मानता है, उसे पार्टी से चिन्ह से कोई मतलब नहीं। देखिए मतलब वहां पर इस तरह की रिएक्शन मिलती थी कि यहां पर सिंधिया के समर्थक नहीं होते, यहां पर सिंधिया के भक्त होते, ये मतलब जनता के बीच से रिएक्शन मिलती थी। तो उसका स्वाभाविक तौर पर हम मान सकते हैं कि ग्वालियर का जो ग्वालियर शिवपुरी और गुना ये खास करके ये हिस्से ऐसे हैं जो सिंधिया के सिंधिया राजघराने के व्यक्तिगत प्रभाव में, और यहाँ पे बड़ा वोटर ऐसा है जो सिंधिया को देख के वोट देता है, वो सिंधिया चाहे बीजेपी में हो, वो सिंधिया चाहे कांग्रेस में हो। तो जब कांग्रेस से चुनाव लड़ रहा है तो वो कांग्रेस के पक्ष में हो जाता है, वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहा है तो वो बीजेपी के पक्ष में टर्न आउट हो जाता है, तो वो निश्चित तौर पर वो सिंधिया का वोटर। बिल्कुल कपिल, कोई अपडेट आपके पास, क्या कुछ आप और कुछ बताना चाहते हैं दर्शकों को? नहीं, जैसे कि अभी बोल रहे थे कि सिंधिया का, तो ये बात सही है कि ये दशकों से सिंधिया घराने के राज परिवार का यहाँ पर दबदबा रहा है। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव देखा जाए तो मोदी लहर में सिंधिया जी के चुनाव हार गए थे। अब हालांकि वो भाजपा में आने के बाद यदि देखा जाए तो उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के दौरान भी जहाँ शिव ज्योति एक्सप्रेस नाम देकर वोट मांगे हैं, तो वही उन्होंने कहा है कि सिंधिया परिवार का झंडा बुलंद करने के लिए सभी मतदाताओं से उन्होंने आह्वान किया कि एक बार फिर वो सिंधिया परिवार का झंडा बुलंद करे। ये बात सही है कि यहाँ एक समय पर सिंधिया परिवार का दबदबा रहता था, पर अब समय काल परिस्थिति अनुसार ये सब चीजें परिवर्तित होती रहती है। चलिए कपिल, नजर बनाए रखिएगा, कोई भी अपडेट हो तो फौरन पहुंचाइएगा। फिलहाल शुक्रिया। तो मतदान केंद्र पर कपिल मौजूद थे हमारे संवाददाता, उन्होंने बताया कि किस तरह की व्यवस्थाएं वहां वो देख रहे हैं। बटनाकर सर, व्यवस्थाएं परिस्थितियां बदलती रहती हैं, कपिल ने कहा ये महत्वपूर्ण बात है परुण जी, कहा निश्चित तौर पे पीढ़ियां बदलती हैं। जैसे हम देखेंगे कि आजादी के बाद 70 साल हो गए, अब इस दौरान माधवराव सिंधिया को गए हुए 20 साल हो गए जी, राजमाता भी सक्रिय राजनीति से पहले विदा हो गई थी, उनका भी निधन हो गया। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपनी जनता के बीच में कैसा असर है, ये सारा चुनाव इस बात पे डिपेंड करेगा कि सिंधिया का राजघराने का असर तो था, उस असर को बनाए रखने में ज्योतिरादित्य सिंधिया की भूमिका कैसी रही, जनता से उनका कनेक्ट कैसा रहा, वो भी इस चीज को साबित करेगा। इसलिए काल परिस्थिति पीढ़ियां बदलती है, असर बदलता है लोगों के अंदर। तो एक जमाने में पूरे देश में लोग कांग्रेस ही को जानते थे और कांग्रेस मजबूत थी इसलिए क्योंकि कोई और विकल्प नहीं था, लेकिन पिछली बार गुना में यदि लहर में इससे पहले भी कई लहर रही लेकिन सिंधिया कभी चुनाव नहीं हारे, लेकिन पिछली बार वो चुनाव हार गए, तो ये एक बहुत बड़ा, और अपने ही एक समर्थक से चुनाव हार गए, तो ये अपने आप में एक बड़ा परिवर्तन तो है ही सही। लेकिन अब वो सिंधिया राजघराने का असर अब फिर कितना है ये हमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल, लेकिन जब सिंधिया की बात हो रही है तो उनके प्रचार प्रसार की शैली को लेकर भी बात होनी चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि दिग्विजय सिंह साहब ने एक वीडियो ट्वीट किया था जिसमें एक तरफ शिवराज जी के एक्शन रिएक्शन हाव भाव दिखाए जा रहे थे, किस तरह से वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, किस तरह से हाथों का और उनके बातों का उपयोग हो रहा था, और दूसरी तरफ उन्होंने इस वीडियो का ऐसा एडिट किया गया था कि सिंधिया साहब उनके ही कुछ ऐसे हाव भाव उनके भी मिक्स करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो आपको लगता है कि ये उपचुनाव ही ऐसा था कि सिंधिया जी को अपने रिएक्शन हाव भाव चेंज करने पड़े, या उनकी शैली ही ऐसी है प्रचार प्रसार की? काफी लंबे समय से हम उनको उस तरह से प्रचार प्रसार करते देखते हैं, लेकिन कांग्रेस इस तरह से जो प्रचारित कर रही थी उसमें कितना दम था? देखिए ये तो एक राजनीतिक दाव पेच वाली बात है, लेकिन हम अगर देखेंगे तो कांग्रेस में, मैंने अभी पहले कहा था कि पिछले जो 2018 का विधानसभा चुनाव हुआ था जी, उसमें सबसे ज्यादा डिमांड जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया की थी। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास अपनी एक भाषण शैली है, एक बोलने की कला है और एक्सप्रेशन से, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस के अंदर वो चीज कमलनाथ में भी नहीं है। दिग्विजय सिंह निश्चित तौर पे बहुत अच्छा भाषण देते हैं, वो लगातार प्रदेश कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे, 2 बार मुख्यमंत्री रहे 10 साल, तो उनकी परिपक्वता अपनी जगह है, लेकिन कमलनाथ भी उतना अच्छा भाषण नहीं देते जो जनता को प्रभावित करे। तो इस समय कांग्रेस में जो चेहरा था वो ज्योतिरादित्य सिंधिया था पिछली बार। अब बीजेपी में तो बोलने वालों की कमी नहीं है, बहुत सारे लोग वहां पे, एक प्रशिक्षण का तौर तरीका है, उनकी कार्य पद्धति अलग है, तो बीजेपी में तो बोलने वाले नेता अच्छे मिलते हैं, लेकिन आपको कांग्रेस में कमी हमेशा खलेगी।
दिग्विजय सिंह साहब को आपको लगता है अगर फ्रंट पे ही रखते या स्टार्टिंग से ही उन्हें कमान दी जाती, हालांकि अभी वैभव भी जब हमारे साथ जुड़े तो उन्होंने बताया कि कमलनाथ साहब स्वीकार कर चुके थे कि दिग्विजय सिंह साहब ने उनसे कहा था कि भले ही सिंधिया चले जाए लेकिन बाकी लोग नहीं जाएंगे, सरकार बनी रहेगी, लेकिन हुआ उसका उल्टा। तो अगर ऐसा आप हम जैसे बात भी कर रहे हैं और दिग्विजय सिंह साहब को अगर फ्रंट में रखकर फाइट की जाती तो उसका माइलेज काफी सीटों पर मिल सकता था, आपको लगता है? देखिए मुझे लगता वो भी नहीं होता, वो तो रणनीति उनकी ठीक थी कि दिग्विजय सिंह जी को आप पीछे रखें। दिग्विजय सिंह जब भी सामने आएंगे तो उनके 10 साल का जो कार्यकाल है वो हमेशा सामने आएगा, और वो जो 10 साल का कार्यकाल है वो इसलिए जाना जाता है कि तब सड़कों पे गड्ढे थे, मध्य प्रदेश में बिजली का अभाव था। निश्चित तौर पे दिग्विजय सिंह जी का जो पहला कार्यकाल था और जो दूसरा कार्यकाल था उन दोनों में भी बहुत अंतर था। तो दिग्विजय सिंह जी ने लगातार 10 साल एक तो कांग्रेस में रहकर अपनी सत्ता में बरकरार रहना, उस दौरान कांग्रेस में जो क्लेशेस हुए थे तो उनकी अपनी प्रायोरिटीज रही होंगी जो भी, या उन्होंने जो भी काम किए होंगे उसका असर बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय सामने आया। लेकिन अब हम आज देखते हैं कि मध्य प्रदेश में बिजली, सड़क और पानी, ये तीन चीजों की समस्या पिछले 15 साल की कांग्रेस बीजेपी सरकार में खत्म है। लगभग हर जगह अच्छी सड़कें मौजूद है, पानी के इंतजाम है, सिंचाई के इंतजाम है। तो मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह को जैसे ही आप सामने लाओगे और जब उनकी वो चीजें याद दिलाएंगे, उसके अलावा जो यहाँ से मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद जब दिग्विजय सिंह कांग्रेस की राजनीति में आए तो उनका जो रवैया था प्रो अल्पसंख्यक रवैया था, कई बार ऐसी विवादास्पद चीजें उन्होंने बोली जिसे आमतौर पर खासकर मध्य प्रदेश का मतदाता नहीं पचा पाता है। तो मुझे लगता है कि वहां पर दिग्विजय सिंह की छवि कांग्रेस को नुकसान पहुंचाती थी, चाहे वो हमने उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखा। मुझे लगता है कि कई जगह दिग्विजय सिंह जितनी एग्रेसिव उससे के साथ में आरएसएस और बीजेपी से लड़ते हैं तो वो उनकी अपने एक विचारधारा के प्रति डरता है और वो लड़ रहे हैं, लेकिन उसका लाभ कांग्रेस को नहीं मिल पा रहा है। तो मुझे लगता है कि फिर वो उनके कांग्रेस के लिए और इसलिए नुकसानदायक हो जाते हैं। लेकिन जैसे कहा भी जा रहा था कि पर्दे के पीछे बैठकर सरकार चला रहे थे या फिर अभी भी पर्दे के पीछे बैठकर सियासत कर रहे थे, इस तरह की बातें कही जा रही थी और कई टिकट भी उन्हीं के कहने पर दिए गए हैं, तो क्या ये उनका जो ये स्ट्रैटेजी है, कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है कि दिग्विजय सिंह साहब को पर्दे के पीछे ही रखकर काम किया जाए, उससे फायदे वाली कोई बात दिख रही है आपको? देखिए पारुल, इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये है कि इस समय मैंने पहले भी बोला था, अभी कुछ देर पहले भी, कि मध्य प्रदेश में इतना जमीनी नेता और इतनी राजनीतिक समझ वाला नेता कांग्रेस में और कोई दूसरा है नहीं। और उसका कारण है कि 10 साल जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री रहे तो उन्होंने कांग्रेस में किसी नेता को पनपने ही नहीं दिया, कोई नया नेता तो सामने ही नहीं आया। वही नाम गिनते थे हम, दिग्विजय सिंह, जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग हो गए तो दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ और सुरेश पचौरी, अजय सिंह, ये के ये नाम कांग्रेस में सिंधिया को माइनस कर दो तो बाकी ये के यही सारे नाम है। कोई नया लीडर, कोई आकर्षक चेहरा, कोई जनता के बीच अपील करने वाला, जैसे हमने देखा शिवराज सिंह चौहान आए भारतीय जनता पार्टी में, पीढ़ी परिवर्तन हुआ, नरेंद्र सिंह तोमर सेंट्रल में गए, एक कद्दावर नेता बने, वीडी शर्मा को आगे किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी में जितने परिवर्तन, जितने नेता प्रशिक्षित करके आगे बढ़ाने की परंपरा है वो कांग्रेस में नहीं है, लेकिन ऐसा अर्जुन सिंह ने किया था। कांग्रेस में अर्जुन सिंह ने पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नेता बनाए थे और अलग अलग जात, समाज, राजनीतिक, जातिगत समीकरण हर चीज को ध्यान, चाहे वो अजीत जोगी हो, चाहे वो बंशीलाल दत्तलेरे हो, चाहे झुमकलाल भेड़िया हो, सुभाष यादव हो, एक के बाद उन्होंने कई नेता बनाए थे। लेकिन अर्जुन सिंह के जाने के बाद कांग्रेस के अंदर वो परंपरा दिग्विजय सिंह उसको कायम नहीं रख पाए। तो दिग्विजय सिंह के समय में कोई ऐसा नेता, क्योंकि छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद कई सारे नेता छत्तीसगढ़ चले गए जी, तो बचे मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह। तो वो दिग्विजय सिंह आज भी है जमीन पे, दिग्विजय सिंह आज भी जनता के बीच होना हो, लेकिन कांग्रेस में तो दिग्विजय सिंह ही है। सुर्खी विधानसभा सीट को लेकर भी हम थोड़ा सा रुख करेंगे। शैलेश संवाददाता हमारे साथ इस वक्त सागर से फोन लाइन पर मौजूद हैं। शैलेश, क्या कुछ इस वक्त आप देख रहे हैं, किस तरह का रुझान लोगों का दिखाई दे रहा है और मतदान केंद्रों पर क्या उत्साह है मतदाताओं में और क्या कुछ और व्यवस्थाएं हैं कोरोना काल को लेकर? परेशान हो गया जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जो है मतदाताओं में उत्साह नजर आ रहा है, हालांकि उपचुनाव है,
पहली बार इस विधानसभा में उपचुनाव की तस्वीर बनी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है मतदान केंद्रों पर सुबह से ही जो है हर वर्ग के मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं और लंबी लंबी कतारें कुछ स्थानों पर लगी हुई है। युवाओं में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है इस दौरान। और व्यवस्थाओं की बात की जाए तो कोविड की जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप ही मतदान केंद्रों में सारी व्यवस्थाएं की गई है। पुलिस के व्यवस्था भी सुरक्षा के लिहाज से यहाँ कड़ी दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर जो कि कहा जा सकता है कि शुरुआती दौर का जो मतदान है वो बड़े ही उत्साह के रूप में यहाँ पर जो है सुचारू रूप से संपन्न हो रहा है। आप क्या मतदान केंद्र के आसपास है तो क्या तस्वीरें दिखा सकते हैं दर्शकों को, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, लोग कितने पहुंच रहे हैं? जी मैं आपको बता चाहूंगा कि देख सकते हैं आप जिस तरीके से ये तस्वीर है, यहाँ महिलाएं बच्चों के साथ भी और अपने परिजनों के साथ पहुंच रही हैं मतदान करने के लिए। ये लंबी कतार आप देख सकते हैं यहाँ मतदान केंद्रों पर लगी हुई है। बड़ी संख्या में महिलाएं हैं जो अभी मताधिकार का उपयोग करने पहुंची है मतदान केंद्र पर। इसके साथ ही जो है युवा वर्ग के लोग भी पहुंच रहे, तो यहाँ पर जो है मतदान को लेकर उत्साह में कहीं कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है। देखिए ये दिखाई भी दे रहा है कि मतदान को लेकर किसी तरह की जो उत्साह है उसमें कोई कमी नहीं है, भले ही कोविड है। और अगर रुझान देखें पब्लिक का तो शैलेश कुछ बता पाएंगे आप, गोविंद सिंह राजपूत और अरुण साहब? जी यहाँ तक बात प्रत्याशियों के बारे में की जाए तो प्रत्याशियों को लेकर अभी भी जो है जनता जो है स्पष्ट जो है अपना मत जाहिर करने की स्थिति में नजर नहीं आ रही है। वो तो केवल और केवल मतदान करने की स्थिति में है और मतदान करने के बाद ही स्पष्ट होगा कि उसका जो है रूप किस तरफ का। इसीलिए चुनावी समय में झुकता है सर, चाहे कितने भी बड़े दिग्गज नेता हो, चुनावी मैदान में जब आते हैं तो सर जनता के सामने झुकाना ही पड़ता है, क्योंकि असली ताकत मतदाता के हाथ में होती है। नजर बनाए रखिएगा शैलेश, कोई भी अपडेट हो फौरन पहुंचाइएगा। फिलहाल शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तस्वीर हमने देखी भटनागर सर, महिलाएं छोटे छोटे बच्चे उनकी गोदी में है वो भी तस्वीर हम देख रहे थे, और किस तरह से उत्साह दिखाई दे रहा है ये बताता है कि कोविड हो चाहे कोई भी महामारी या कोई भी परिस्थिति, जो मतदाता है वो अपना अधिकार जानता है और अपनी ताकत दिखाता है। आखिरी निर्णय जो है मतदाता ही करता है, जनता राजनीतिक दल अपना मुद्दा रखते हैं, अपनी बात रखते हैं और निर्णय जो है वो उनको करना रहता है। अब चूंकि ये दल बदल यहाँ पे बहुत बड़ा इशू था और दल बदल कानून के बाद एक अच्छा ये, पहले जब दल बदल होता था तो विधायक को विधायक पद से इस्तीफा नहीं देना होता था, लेकिन दल बदल कानून बनने के बाद अब अगर हम जब दल बदल के बारे में बात करेंगे तो उसे इस्तीफा देने के बाद दोबारा जनता के बीच जाके उस पर मोहर लगानी पड़ेगी, तो ये एक सबसे बड़ा परिवर्तन है और ये लोकतंत्र के लिए बेहतर भी है कि अगर आप अपना दल बदल कर रहे हो, किसी कारण से आप उस दल से सहमत नहीं हो, उसकी नीतियों से सहमत नहीं हो, लेकिन उसके टिकट पर चुनाव जीत कर आए हो, तो आपको जनता के बीच दोबारा चुनाव जीतने जाना पड़ेगा। इसलिए मुझे लगता है कि अब इस दल बदल को मान्यता जनता देगी या नहीं देगी, ये हमें देखने को मिलेगा कि जनता दल बदल को पसंद करती है इस जिस आधार पे ये लोगों ने कहा कि हमने इन इन कारणों से कांग्रेस को छोड़ा, हमने इसलिए विधायक का पद त्यागा, हमने इसलिए मंत्री पद त्यागा, इसलिए सरकार गिराई, तो जनता उन चीजों से सहमत है या नहीं है ये हमें इस चुनाव में देखने को मिलेगा। तो एक बड़ा डिसीजन जनता के हाथ में है इस बार। बिल्कुल, जो अब रुख सामने आएगा मतदाताओं का, दल बदल की नैतिकता या अनैतिकता की बात नहीं कर सकते क्योंकि आपको फिर जनता के बीच जाना पड़ रहा है। अगर आपने इस्तीफा दिया, आपने इस्तीफा देने का साहस किया तो दल बदल करना यहाँ साहस का काम हुआ, सरकार को गिराना आपका साहस का काम हुआ, क्योंकि आपको दो साल में फिर जनता के बीच जाकर चुनाव लड़ना है। तो वही लोग चुनाव लड़ रहे हैं जिन्होंने पद से इस्तीफा दिया है, तो निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण बदलाव है, महत्वपूर्ण घटनाक्रम है और ये आने वाली राजनीति चाहे वो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की नहीं भारतीय लोकतंत्र में भी एक नया वो खोलेगी, क्योंकि हमें असहमति व्यक्त करना है। मैं आज कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस की सरकार में हूँ और मैं उससे सहमत नहीं हूँ, या मैं बीजेपी में हूँ, बीजेपी से सहमत नहीं हूँ, किसी कारण से सहमत नहीं हूँ और मैं इस्तीफा देता हूँ, तो मुझे दोबारा चुनने के लिए फिर जनता के पास ही जाना है, तो जनता जो निर्णय करेगी वो मान्य है। बिल्कुल सर,
छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। दर्शकों को बता दें हम जिस कार्यक्रम को लेकर शुरुआत से ही चले हैं, सत्ता का फाइनल, और आज असल में वो सत्ता का फाइनल है। जनता मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेगा, आज बटन दबाएगा और बताएगा कि उसने किस नेता को पसंद किया, किस नुमाइंदे को अपना विधायक बनाया है। लेकिन इस बीच जो चर्चा चल रही है उसमें बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आ रही है। सीटों का विश्लेषण हम कर रहे हैं, उन मुद्दों को हम सामने रख रहे हैं, उन मुद्दों पर भी बात हो रही है जैसे चुनावी समय में नेताओं ने तो खूब घुमाया लेकिन वोटर मतदाता उन मुद्दों को नहीं चाहता था शायद ऐसा, क्योंकि उसकी जो जरूरतें हैं रोजगार, पानी, बिजली, तमाम वो चीजें विकास से जुड़ी हुई जैसे वो चाहता था उस पर शायद किसी ने बात नहीं की। वचन पत्र, संकल्प पत्र में तमाम भर भर कर वो बातें लिखी गई लेकिन असल में मंचों से उस बात पर कोई आवाज नहीं हुआ या कोई आवाज नहीं आई जिस चीज का मतदाता इंतजार कर रहे थे। जैसे कि भटनागर सर ने भी कहा कि दल बदल को कितना पसंद करेगा वोटर ये इस चुनाव के बाद पता चल जाएगा, क्योंकि हिम्मत तो की है उन लोगों ने, मंत्री पद भी छोड़ा, विधायक की भी छोड़ी और फिर मैदान में कूदे हैं, लेकिन जिन्होंने दल बदल किया है सिर्फ इस वजह से कि उन्हें उनका फ्यूचर खराब हो जाएगा, राजनीति में आगे उनका भविष्य क्या होगा, इन तमाम पहलुओं पर भी बातचीत होती रहेगी। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहे अनादि टीवी के साथ। हर सीट पर पहुंच रहे हैं संवाददाता तैनात है, हमारे पूरी टीम तैनात है और बताएंगे आपको क्या है वहां के मतदाताओं का रुझान। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।